हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ राजू सिंह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, तो उसे देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। मतलब यहां पर हम एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम देखेंगे कैसे जो हमारे एसिड हैं वो बिहेव करते हैं। तो देखते हैं, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, उसे हम देखते हैं। तो पहला है इसमें, फर्स्ट, एसिड हैव सॉर्ट टेस्ट। एसिड को जो पहचानने का तरीका आपको पता ही है, जैसे एसिड हैव अ सॉर्ट टेस्ट। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ठीक है। जितने भी हमारे एसिड होते हैं, तो अगर हम उसे टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में हमें वो कैसे लगेंगे, खट्टे लगेंगे। नेक्स्ट, सोर होगा उनका टेस्ट। नेक्स्ट है एसिड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखो, जो हमारा एसिड सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई लिटमस पेपर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ब्लू कलर का है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस पे एसिड को डालते हैं, तो जब हम इसमें एसिड को डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है। ये आपने जो इसका प्रैक्टिकल है वो अपनी लैब में भी किया होगा, अपने स्कूल में, ठीक है। नहीं किया तो आप देख लोगे जल्दी। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है, एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो एसिड का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब जितने भी हमारे एसिड हैं, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वहां से करंट इजिली फ्लो करता है। बट ये क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीज हम आगे देखेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, एसिड सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड क्या करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब हम क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ इसको, ठीक है, ध्यान रखना, मेटल के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो इसकी बेसिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, मेटल को हम क्या कर रहे हैं, जब एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा सोल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस, इसका ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखोगे कि कभी भी हमारा कोई एसिड क्या करता है, जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि हम कोई एसिड ले लेते हैं और एक मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका सोडियम, ये आपका सोडियम मेटल है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में एसिड ले लेते हैं हम HCl, ये आपका एक्वस फॉर्म में हो गया, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देखो, सोडियम जो है ये इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, NaCl एक्वस और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे आपका ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान रखना आपको इस बात पे कि कभी भी जब हम क्या करते हैं, एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी मेटल के साथ, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रिएक्शन कैसे हुई एक बार इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ से आपका Na प्लस में ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ H प्लस, ये Cl माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया और आपका क्या बन गया, NaCl और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे, मैं लिख देता हूँ फिर इसको
डिस्कस करते हैं हम, कर्ड एंड अदर सॉर फूड स्टफ्स स्टफ्स should not be kept in metal vessel. ठीक है, कह रहा है कि जो कर्ड और कर्ड जो आपका कर्ड होता है, ठीक है, कर्ड हो गया एंड अदर सोर फूड स्टफ्स, मतलब कि जो हमारा कर्ड है और जो हमारे फूड जो होते हैं, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर टेस्ट होता है जिनका, या फिर टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उनको हमें मेटल के वेजल में नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमें मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है मेटल जो होते हैं, मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, रिएक्ट्स विद एसिड्स. ठीक है, तो यहां पर जो मेटल है वो क्या कर जाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और हमारा मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस. तो कभी भी हम आपने कभी भी देखा होगा अपनी लैब में, आपने एसिड देखे होंगे स्कूल में, आपने अपनी लैब देखी होगी, तो उसमें जो हमारे एसिड होते हैं उनको हम हमेशा ग्लास की बोतल में ही रखते हैं. ठीक है, हम कभी भी उसे मेटल के वेजल में नहीं रखते, हम कभी उसे मेटल के बर्तन में नहीं रखते. क्यों? क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सब्सटेंस वहां पे दे देगा. ठीक है, मेटल क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, और ये क्या करता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है. ठीक है, तो हमारे फूड में पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएगा जिस वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होता है. तो इस वजह से हम कभी भी किसी एसिड को क्या करते हैं, कोई भी हमारी खट्टी चीज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, किसी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते. ठीक है, मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, लेकिन अलॉयज में रख सकते हैं. जैसे आप कभी बोलोगे कि हम तो स्टील के बर्तन में रखते हैं, तो स्टील आपका मेटल नहीं है. ठीक है, जो स्टील है आपका वो अलॉय होता है. तो ध्यान रखना आपको, जो आपका कर्ड हो गया, ठीक है, कर्ड को आप अपने घर में स्टील के वेजल में रखते होंगे, बट स्टील जो है वो एक मेटल नहीं है, वो आपका अलॉय है. तो उसमें कोई भी रिएक्ट नहीं करता अलॉय कर्ड के साथ या फिर दूसरे फूड सोर फूड स्टफ्स के साथ. तो जितने भी खट्टी चीज़ें हो गई, सिरका हो गया हमारा, वेनेगर हो गया, ठीक है, जैसे कर्ड हो गया आपका, और कोई भी खट्टी चीज़ आप यूज़ करते हो अगर अपने घर में, तो हम उसको मेटल के बर्तन में नहीं रखेंगे. जैसे अल्यूमिनियम जो हो गया आपका, ठीक है, तो इसमें हमने उसे नहीं रखते. तो यहाँ पे आपका, तो ध्यान रखना आपको कि कभी भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं हम उसको मेटल के कंटेनर में हमें उसे नहीं रखना चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ और ये बना देते हैं पॉइजनस सब्सटेंस, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी डेंजरस होता है. नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब एसिड क्या करता है, कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं. जब मेटल कार्बोनेट जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट तो बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर. तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है. तो कोई मेटल कार्बोनेट जब क्या करता है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ध्यान रखना है बस,
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगी, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। देखो मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल हमारा सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट आपको पता है CO3, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2CO3। तो Na2CO3 की जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि आपका मेटल कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ब्रेक होता है Na+CO32-, तो यहाँ पे आपका H+ और ये आपका Cl-, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है, हाँ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका NaCl और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बाहर, यहाँ पे आपका CO3 ब्रेक हो जाएगा, CO2 और ऑक्सीजन में ये रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी थी वो ये है कि आप जब भी हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं। इन्होंने कहा था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। तो पहले तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं हम क्या होता है। देखो एक होता हमारा मेटल है, दूसरा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा ये होता है, इन दोनों की वैलेंसी वन होती है, तो क्या बनाएंगे, ये NaHCO3। ध्यान रखना ये हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये हमारा। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब क्या करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या रिलीज करेगा, सेम सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। रिएक्शन सेम होगी, जैसे ऊपर हुई थी वही सेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दूसरी रिएक्शन हम देख लेते हैं, NaHCO3 को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे आपका NaCl, रिएक्शन सेम है बिल्कुल, प्रोडक्ट भी वही है जो पहले थे, रिएक्शन होगी उसी तरीके से। यहाँ पे Na+ में ब्रेक होगा, यहाँ पे H+CO2 ऑक्सीजन अलग, H+Cl-, Na और Cl निकल जाएंगे यहाँ से, ये हाइड्रोजन बना देंगे H2 और ये आपका O2। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अच्छा जो ऊपर रिएक्शन थी इसको हम बैलेंस कर देते हैं एक बार। रिएक्शन को मैंने कहा था आपको बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है, तो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों के एटम इक्वल हो गए, तो ये आपकी इक्वेशन जो हो गई बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस आई है। NaHCO3 HCl Na दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होगी, जब हम रिएक्शन कराएंगे, मान लो टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन करवाई, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है। अब इतनी सारी गैसेज हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का एक टेस्ट है, तो उसे हम देखते हैं। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बता सकते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है वो। तो देखो तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं, CaOH2 होता है ये हमारा, ठीक है। CaOH2 के साथ जब रिएक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब हमारी टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो गैस है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका,
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, कॉमन नेम मैंने आपको बताया था लाइम वाटर। ठीक है, तो ये हमारा लाइम वाटर होता है, जब ये किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और ध्यान रखना है ये कैसा होगा, एक्वेस सॉल्यूशन में, प्लस जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और आपका वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे आपकी वाइट पीपीटी आती है, वाइट पीपीटी, इसे ध्यान रखना है बस। वाइट पीपीटी क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा आपका उसे हम बोलते हैं, देखो वाइट पीपीटी का मतलब आपने पढ़ा हुआ है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो लिक्विड में सोल्यूबल ना हो। तो हमें पता कैसे चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, तो आपसे कोई पूछता है कि जो गैस रिलीज हो रही है, आपने जो रिएक्शन करवाते हो मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हो एसिड के साथ, तो जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो इसे, तो आप जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे है, तो आप क्या करोगे, वहां पे लाइम वाटर को लोगे और उसको रिएक्ट करा दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल दोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें ऐड होगी तो हमारा जो लाइम वाटर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लाइम वाटर है, ये जो लाइम वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाइट पीपीटी में, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक वाइट सब्सटेंस आ जाएगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, तो जिस वजह से हमें पता चल जाएगा जो हमारी गिवन गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का तरीका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वहां पर क्या आता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगी, व्हाइट पीपीटी बनेगी तो हम बोलेंगे व्हाइट पीपीटी मतलब नीचे आपका क्या होगा, व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे आ जाएगा, तो वो हमारा होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। ठीक है, तो ये रिएक्शन को चेक करने का तरीका है। अब क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम ज़्यादा टाइम तक पास करवा देते हैं, मतलब अगर हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए पास करवाते हैं, तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वाइट पीपीटी जो थी, ये आपकी दोबारा क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, और ये आपका बना देती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कैल्शियम हाइड्रोजन, मतलब ये दोबारा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखना, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था ना, वैसे ही आपका क्या है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोबारा इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है, कभी भी हम लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवा रहे हैं तो हमें उसे ज़्यादा टाइम तक पास नहीं करवाना, हमें उसे कुछ टाइम के लिए पास करवाना है बस। क्लियर है, नेक्स्ट। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें इस प्रॉपर्टी में हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो ज़रूरी हैं, हमारे क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ। अच्छा देखो, हमारा जो क्या होता है, इसको पहले मैं लिखता हूँ फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टू टेक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एस रेमेडी। तो कह रहा है कि हम कभी भी क्या होता है, किसी पर्सन को अगर क्या होता है सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एसिडिटी, अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी में आपने सुना होगा, एसिडिटी जब होती है तो हमारे स्टमक में क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एसिड बनने पे क्या होता है, आफ्टर ओवर ईटिंग, हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कभी हमें ज़्यादा टेस्टी फूड दिख जाता है तो हम कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस ज़्यादा खाना खाने की वजह से क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है,
तो इस केस में क्या होता है, वी कैन सजेस्ट टू टेक बेकिंग सोडा। तो इस केस में हमें बेकिंग सोडा को खाना ज़रूरी है, ठीक है, सॉल्यूशन एज रेमेडी ताकि हम ठीक हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि आगे हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है। जब एसिडिटी होगी तो हमारा क्या होता है, एसिड बनेगा, और जब हम इसमें बेस को डालेंगे तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर हम बोलते हैं कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसको क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब बेस क्या करता है, एसिड का इफेक्ट क्या कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हमारा जो बेकिंग सोडा है, यहाँ पे जो लिखा था हमने, ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेक टू टेक बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है आपका, ये एक बेस है, ठीक है। जो आपका बेकिंग सोडा है, मैं लिख देता हूँ, जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, वो एक आपका बेस है, ठीक है, ये एक तरह का बेस है हमारा। बेस के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखना कि अगर हमारे स्टमक में क्या होता है, एक्सेस में अगर एसिड रिलीज होता है, ठीक है, अगर एक्सेस में एसिड रिलीज होता है तो ये जो एसिड होगा इसको हम क्या करते हैं, अगर बेकिंग सोडा खाते हैं, बेकिंग सोडा आपके घर में होता है, खाने वाला सोडा भी कहते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो ये जो सोडा होता है अगर हम उसको खाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और जो हमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एसिड जो हमारे स्टमक में बना है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद ठीक है, इसमें और चीज़ें ध्यान रखना, जैसे आपका लाइम स्टोन हो गया, कुछ चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे आपका लाइम स्टोन है, ठीक है, मार्बल हो गया आपका, यहाँ पे आपका मार्बल हो गया, एंड चौक हो गई जो हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड, और उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी आपने देखा था, ये यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने ऊपर देखा था अभी, इसकी जब हमने पीपीटी बनाई थी, वाइट पीपीटी, ये जो हमारा है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, क्लियर है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसकी अलग अलग फॉर्म होती है, ये हमारे नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जिस वजह से ये लाइमस्टोन में भी होता है, पत्थर में भी होता है आपका, मार्बल में भी हो गया आपका, चौक में भी होता है ये, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है हमारा कैसा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। इवन ये क्या होता है, एग में भी होता है, जो एग शेल होती है ना हमारी, एग की शेल जो होती है उसमें भी होता है, आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपकी जो एग शेल्स होती हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लगा होता है। तो ध्यान रखना ये अलग अलग फॉर्म है हमारी, कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ही हमारा कंपाउंड है, ये क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म भी करता है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अभी अपने डिस्कशन किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस, कैन एक्सटिंग्विशेस कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है, आपने पढ़ा ही हुआ है कि कभी भी हम क्या करते हैं, किसी का कंबशन करते हैं, ठीक है, कंबशन मतलब किसी को जब हम जलाते हैं, कभी भी कोई चीज़ जल रही है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे उसको क्या करना है, बुझाना है। तो उसे हम क्या करते हैं, अगर वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके ऊपर छोड़ दें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो कंबशन होगा उसका वो रुक जाएगा, मतलब वो जलते जलते जो होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स के रेड रेड सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, तो उन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ क्या होता है, रिलीज होती है। तो ये जब ये वाटर के साथ रिलीज होती है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो भी सब्सटेंस हमारा बर्न हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर की तरह आ जाती है। अब ये जो लेयर होती है, जैसे मान लो ये सब्सटेंस आपका क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है,
तो ये सब्सटेंस जब बर्न होता है तो इसके ऊपर जब हम फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर आ जाती है। तो जब ये इसके ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पे आपकी O2 इसके साथ रिएक्ट नहीं हो पाती। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली उसे ऑक्सीजन देना जरूरी है। अगर अभी सब्सटेंस को हमारे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इसका कम्बशन रुक जाएगा और ये क्या होता है, हाँ, इस तरीके से आग बुझाई जाती है। आगे बात समझ आपको। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखो, इसके बाद 6 प्रॉपर्टी हमें अब हमें पढ़नी है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान रखना इसका, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस बात का ध्यान रखना आपको कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाते हैं ये, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी मेन इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन। एसिड जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होगा किसी, तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन, अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइज, अगर किसी के जो स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है, तो चलो उसको अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो, एसिड एक कॉमन सा एसिड ले लेते हैं हम, HCl। बेस जो होता है हमारा NaOH, तो एसिड जो होता है H+ और Cl-, बेस जो होता है आपका Na+ OH-, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है। तो ये रिएक्ट होके क्या बना देते हैं आपका, NaCl और OH और H मिलकर आपको पता ही है क्या बनता है, वाटर। तो यहां पर आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ये काफी रिएक्शन में कई बार लिख चुका हूं, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड और ये आपका वाटर। क्लियर है? तो यहां पर आपके ये रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है हमारी किसकी, जब कोई एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट होता है। अच्छा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी के बारे में हम लिख लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वाटर इज कॉल्ड आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एसिड को क्या करते हैं, हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, उन दोनों का इफेक्ट, एक एसिड है एक बेस है, तो जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट होंगे, तो एसिड का जो इफेक्ट होगा वो भी खत्म हो जाएगा और बेस का इफेक्ट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नलीफाइड कर देंगे, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, वहां पे खत्म कर देंगे। तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, ना वो एसिड होगा ना वो आपका कैसा होगा, बेस होगा, बस वो वाटर की तरह होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 6th। ठीक है, 7th, 6th तो हमने पढ़ ली, 7th देखते हैं, 7th प्रॉपर्टी क्या है। तो 7th प्रॉपर्टी कह रहा है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कह रहा है जब ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है हमारा, पहले जनरल इक्वेशन देखते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और
वाटर हमें देगा। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है इसे देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मेटल होगा एक, सोडियम अपना एक मेटल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी वन, इसकी टू, तो क्या बनाएगा, Na2O। तो ये जो ऑक्साइड बनेगा इसे हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है, अब ये क्या करता है, अब ये किसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, किसी एसिड के साथ करा दो, तो ये Na2O, ये आपका सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सोडियम ऑक्साइड जब ये क्या करता है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारा एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन सिंपल है, ये आपका किस में ब्रेक होगा, Na प्लस O2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है, यहाँ पे H प्लस, ये Na प्लस इसके नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। तो आपका क्या बाहर हो गया, आपका यहाँ पे NaCl और H2O, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे हम। तो ये हमारी जो रिएक्शन है इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ये हम आपको बताए, ये क्या है, सॉल्ट है, और ये आपका वाटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये तो वाटर है ही। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, एट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एट्थ में क्या कह रहा है, कह रहा है एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, मतलब ये किसी भी चीज के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं, तो अगर कोई मेटल है तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। अगर ये हमारी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो स्किन जो होती है वहां से क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ध्यान रखना है हमें इसका, तो मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा था मिनरल एसिड के बारे में, द मिनरल एसिड, ठीक है, यहाँ पर मिनरल एसिड की बात हो रही है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड कॉज सेवर बर्न, बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईटन अप मटेरियल लाइक क्लोथ क्लोथ्स हो गए जैसे आपके, ठीक है, क्लोथ्स हो गए आपके, और हो गए आपका वुड हो गया, मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, ठीक है, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। तो ध्यान रखना है, मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, सेवर बर्न ऑन स्किन अटैक ईटन बाय ईटन अप मटेरियल, ये मटेरियल जिसको भी गिरता है उसे खा जाते हैं ये, लाइक वुड हो गया, उसे खत्म कर देते हैं, खाने का मतलब खाते नहीं है उसे, उसे क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर देंगे वहां से, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, एसिड नेवर, एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, मेटल कंटेनर, ठीक है, मेटल कंटेनर में हम इसको नहीं रखते, बिकॉज दे ग्रेजुअली ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। तो यहां पे आपका क्या होता है, कह रहा है एसिड को हम कभी भी क्या करते हैं,
मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। मैंने आपको ये डिस्कशन पहले ही कर लिया था, एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर में हम एसिड को नहीं रखेंगे क्योंकि हमने अभी एसिड की रिएक्शन देखी थी। ठीक है, एसिड नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं मेटल को। ठीक है, मेटल कंटेनर को, जिस वजह से आपका जो मेटल कंटेनर होता है वो आपका खराब हो जाता है, इवन टूट भी सकता है। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी किसकी, एसिड की। तो मतलब एसिड जो होते हैं हमारे, वो इस तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारी प्रॉपर्टी एक बार। स्टार्टिंग से हम इनकी मेन चीज हम पढ़ लेते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं ये। तो सबसे पहले आपने देखा था, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये ध्यान रखना, कर्ड और अदर फूड स्टफ को हमें मेटल वेजल में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम स्टोन, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसका नाम लाइम वाटर, और ये वाइट पीपीटी, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये जब ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती है, वाइट पीपीटी देती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है वहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, प्रॉपर्टीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट वाटर बनता है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड हैव कोरोसिव नेचर, एसिड का क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। मतलब सभी एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, ठीक है, किस चीज को देखकर हम बता सकते हैं कि वो चीज हमारी एसिड है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। तो कह रहा है कि एसिड में कॉमन चीज क्या होती है, तो एसिड में कॉमन चीज क्या होती है, हम लिख लेते हैं, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस विच डिजोल्व, विच डिजोल्व इन वॉटर, या फिर विच आप विच डिसोसिएट या फिर डिजोल्व भी कह सकते हैं हम इसको, डिसोसिएट लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, विच डिसोसिएट, या फिर डिसोसिएट वर्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजिस। मतलब आगे मैं इसका मतलब बताता हूँ अभी, आयोनाइजिस ऑन डिजोल्विंग, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एच प्लस, ध्यान रखना इसको हम किससे दिखाते हैं, एच प्लस आयन दिखाते हैं। अब देखो यहां पे आपको जो बात ध्यान रखनी है वो किस किस पे ध्यान देना है, कि जब भी एसिड को हम क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मतलब आयोनाइजेस, मतलब ये क्या हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, डिसोसिएट, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिजोल्विंग इन वाटर, और क्या प्रोड्यूस करता है, एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। तो जितने भी एसिड होते हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कराते हैं, ठीक है, वाटर में जब हम डालेंगे तो वो वहां पे क्या करते हैं, एच प्लस आयन रिलीज करते हैं। अगर उन्होंने एच, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, आपको किसी ने एक लिक्विड दिया और कहा कि यहाँ पे बताओ कि ये आपका
एसिड गैसें हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसको वाटर में मिलाएं और वाटर में मिलाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो, अगर वो एच प्लस आयन रिलीज करता है तो हम बोलेंगे कि वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड नहीं होगा। तो समझ आ गई आपको बात, इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम। जैसे आपकी HCl एक्वेस, एक्वेस का मतलब है जब ये पानी के अंदर होगा, पानी में डिजोल्व कराएंगे तो ये क्या करेगा, H प्लस एक्वेस देगा, पानी के अंदर देगा ये भी, और Cl माइनस आयन यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ये भी आपका एक्वेस। तो यहाँ पे ये आपका जो है हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये जरूरी है। ठीक है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो पता ही है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये आपका हो गया क्लोरीन आयन। हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, हाइड्रोजन आयन से। इस चीज पे आपको फोकस करना है बस। ठीक है, तो ये आपका जो है, ठीक है, यहां पर आपका जो कभी भी कोई भी एसिड है, अगर हम उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कराते हैं, एक्वेस का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर। तो वाटर में जब आपने इसको डिजोल्व कराया तो ये H प्लस आयन देगा, अगर ये H प्लस आयन देता है तो ये एसिड है, अदरवाइज ये एसिड नहीं होगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट, इसकी जो रिएक्शन है उसको हम अलग तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या होता है, वाटर में जब ये होता है, तो जब ये वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट करके H3O प्लस आयन बना देगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आप हाइड्रोजन आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो एक ही बात है, क्योंकि जब भी आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो वाटर में रिलीज होता है और वाटर में ही आपका क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो आप कई कई जगह पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, H प्लस और H3O प्लस, नाम इनके अलग अलग हैं लेकिन है एक ही चीज, दोनों किसको बताते हैं, एसिड के कैरेक्टर को बताते हैं। ये दोनों ही क्या होगा, जब प्रेजेंट होंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, शो करेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं अ कॉमन थिंग टू ऑल एसिड द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। तो हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, एक्वेस मतलब ध्यान रखना है, कभी भी H+ होगा तो ये वाटर की फॉर्म में, वाटर में प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से एक्वेस लिखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका H+। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जितने भी एसिड हैं वो एसिड, कोई भी लिक्विड आपका एसिड, तभी हम उसे एसिड बोलेंगे जब वो क्या करेगा, जब हम उसको वाटर में डालेंगे और वो H प्लस आयन दे। अगर वो H प्लस आयन नहीं देता तो वो एसिड, एसिडिक कैरेक्टर उसका नहीं होगा। तो इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके कॉमन एसिड जो है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे आपका HCl है, HCl होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है एक्वेस सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, एक्वेस सॉल्यूशन मतलब वहाँ पर आपका वाटर है। ठीक है, ऐसे ही आपका जब कोई दूसरा एसिड हम लेते हैं, H2SO4 को लेते हैं, H2SO4, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रिलीज करेगा H प्लस आयन एक्वेस में और SO4 2 माइनस आयन एक्वेस में। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन आयन, ये क्लोराइड आयन, ये तो देख ही लिया था आपने, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका ये जो हो जाएगा H+,
एस प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन, ये तो पता ही है आपको, हाइड्रोजन आयन, और ये आपका सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है। ऐसे आप दूसरा कोई एसिड ले सकते हो, जैसे कॉमन एसिड जो आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड हम इसे बोलते हैं, नाइट्रिक, कभी आप इसे भूल जाओ नाइट्रिक एसिड तो ध्यान रखना, बीच से बोलना होता है, नाइट्रिक एसिड सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो, जब ये एक्वस फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस भी कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ये एच प्लस रिलीज़ करेगा आपका एक्वस में, और ये आपका नाइट्रेट आयन रिलीज करेगा, ये आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये आपका यहाँ पे आपका हो गया ये नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो देखो कॉमन चीज जो है हाइड्रोजन आयन, ये आपका क्लोराइड आयन, ठीक है। तो देखो कॉमन चीज जो है तीनों में, आपने देखा होगा ये इन तीनों, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, बेसिक एसिड हैं जो हमारी लैब में हमें दिखते हैं काफी। तो इन तीनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, ये सभी क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि ये हमारे क्या है, एसिड है। हमें दूसरे से मतलब नहीं है, नेगेटिव आयन हमारा जो मर्जी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमारा H प्लस आयन रिलीज करना चाहिए। अगर कोई भी एसिड क्या कर रहा है आपका H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। या कोई भी कंपाउंड हमारा अगर एसिडिक एच प्लस आयन रिलीज करता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। नेक्स्ट जो है, द एक्वस सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। देखो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, देखो हम बोलते हैं कि हमारे, अच्छा एक चीज हमने देखी कि जितने भी एसिड है हमारे, अभी हमने कॉमन एसिड देखे HCl, H2SO4 और आपका HNO3, इन सब में क्या है, हाइड्रोजन है, तभी तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपके जो ये इनमें हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, इस वजह से हम इन सबको क्या बोलते हैं, ऑल आर एसिड्स, ये सारे हमारे एसिड्स हैं, ठीक है। बट ये कहता है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन और अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, कह रहा है ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। अब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता, क्योंकि देखो ग्लूकोज जो होता है हमारा, ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपने देखा ही हुआ है, अभी रिएक्शन भी देखी थी हमने लास्ट चैप्टर में। अल्कोहल जो हो गया इसका, वैसे तो अल्कोहल बहुत सारे होते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है। तो हम इसमें देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 है, ये फिर भी हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता भाई, क्यों। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक कैरेक्टर इस वजह से शो नहीं करते क्योंकि जब हम इसे क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो ये एच प्लस आयन रिलीज नहीं करते। हमने एसिड में पढ़ा है कि एसिड हमारे वही सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या करते हैं, अगर वो एच प्लस रिलीज करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लिखते हैं कि ये क्या होता है, ये इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, आगे यहां लिख देता हूं, देखो कि जो ग्लूकोज और हमारे अल्कोहल हैं ये एसिडिक कैरेक्टर इस वजह से शो नहीं करते बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट एंड जो इसके हाइड्रोजन है ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन
आयन एच प्लस ए क्यू, ठीक है, आयन्स, हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो हमने पढ़ा है एसिड, ध्यान रखना एसिड हमारा वही होगा जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कराएं और ये क्या करे, H प्लस आयन दे। अगर ये H प्लस आयन देता है तो हम बोलते हैं इसे कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हम बोलते हैं कि यहां पर जो ग्लूकोज, ध्यान रखना ये एग्जाम में काफी आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, ये जो आपका ग्लूकोज है और अल्कोहल है ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करता, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनके बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट, क्योंकि इनमें से जो इनका हाइड्रोजन है वो निकल कर नहीं आता बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन में। यहाँ पर आप देख रहे थे ऊपर जितनी भी रिएक्शन थी इन सब में इनके हाइड्रोजन बाहर अलग हो गए थे, यहाँ पे क्लोरीन और ये अलग हो गया, सल्फेट से अलग हो गया, नाइट्रेट से अलग हो गया, तो इसके हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज हैं इनके जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है, ये सेपरेट नहीं हो पाते, वैसे ही रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो बात समझ आ गई आपको कि जो अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है, एसिड का जो सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता। तो क्लियर है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी की हम कुछ और बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एसिड के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा बेसिस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर होता है एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।